नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। आज मकर संक्रांति के अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन शिवम पैलेस आवास विकास के शवपुरम कानपुर में आयोजित हुआ। कवि सम्मेलन का शुभारंभ वरिष्ठ भाजपा नेता निर्मल तिवारी जी ने माँ शारदे को माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता श्री प्रेम नारायण सोमानी जी ने किया। कानपुर की कवियत्री डॉक्टर अर्चना सिंह चौहान ने सरस्वती वंदना माँ नमन स्वीकार करो मेरा अंतरहृदय डालो डेरा से कार्यक्रम का आगाज किया। इसके बाद सभी कवि कवियत्रियों तथा सम्मानित अतिथियों का शाल प्रतीक चिन्ह और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। कवि सम्मेलन का सफल संचालन डॉक्टर राधे श्याम मिश्र एवं शरद मिश्रा जी ने किया। मऊ से पधारे कवि दिनेश नीरज ने बहुत ही सुंदर गीत सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि सम्मेलन के आयोजक श्री महेश मंगल ने ओजपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की, जिससे सारा सदन जोश से भर गया। तुम्हारे कान गिरवी है कहूँ तो क्या सुनोगे, तुम रहो खामोश भी कैसे, गलत रास्ता चलोगे तुम। इसके बाद श्री संजीव कुलश्रेष्ठ ने सुमधुर काव्य पाठ किया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राधे श्याम मिश्रा जी ने बहुत ही सुंदर मुक्तक और गीत पढ़े। जिंदगी में सभी की एक ही कहानी है, कहीं पर धूप छांव और आग पानी है। स्वैच्छिक दुनिया के श्री राजीव मिश्र ने तुम्हारे राह का कंकर अगर मैं हूँ सुनो जाना। गोपालगंज बिहार की कवियत्री गीता द्विवेदी ने लून जन्म मैं दोबारा अगर तो भारत भूमि ही आंगन मेरा हो सुनाकर दर्शकों में देशभक्ति जगा दी। वहीं डॉक्टर अन्नपूर्णा वाजपेयी ने जिसको प्यारा मान लुटाया दिल अपना था सुनाकर क्षमा बांध दिया। कवि धीरपाल सिंह की शानदार प्रस्तुति रही। श्री वासुदेव मिश्र लालबत्ती ने हास्य व्यंग्य रचनाएं पक्का खूब गुदगुदाया। तत्पश्चात कुमार सूरज ने अपनी कविताओं से क्षमा बांध दिया। शरद मिश्र ने संचालन के साथ साथ माँ पर अपनी कविताओं को सुनाकर आंखें नम कर दी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।